फर्स्ट अटायर जो है हमारा सूट वाला है, मोनिका का फोटोशूट स्टार्ट हो चुका है। हे गाइस वेलकम बैक। सो भाई हो गई अपने दिन की शुरुआत एंड जो है नए व्लॉग की शुरुआत। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हमारा शूट नेक्स्ट वीक पोस्टपोन हो गया था, बट वो है आज क्योंकि उनका फ़ोन आया कि हम लोग आज अवेलेबल है। तो मैंने कहा भाई आज ही कर लो, जितनी जल्दी हो जाए उतना सही है। तो अभी उठ गए हैं, मोनिका तो रेडी हो चुकी है, मतलब वो नहा धो के मस्त रेडी हो गई, अभी वो मेकअप वेकअप करेगी जो भी है क्योंकि उसी का शूट है। मेरा तो बहुत कम है बट स्टिल मेरी भी कुछ फोटोज़ हैं तो उसके लिए जो है अभी मैं तैयारियाँ कर रहा हूँ। सो मैं तो अभी जा रहा हूँ अपने आउटफिट्स निकालने की मैं क्या क्या पहनूंगा, क्योंकि मोनिका की ड्रेसेस जो हैं वो तो हमने डिसाइड कर लिया, वही लोग लेके आ रहे हैं जो मैटरनिटी शूट में रहती है। तो मेरे को क्या पहनना है वो मैं अभी डिसाइड करता हूँ, वो निकालता हूँ फिर देखते क्या क्या रहेगा। सो गाइस अपना हो गया डिसाइड बढ़िया। सो दो मैंने निकाले फॉर्मल्स एंड एक जो है कैजुअल निकाला है। तो ये जो अपन ने जैकेट मंगाई थी उस दिन, तो ये वाली जैकेट अपन पहनेंगे एंड जो है उसके नीचे टी शर्ट। ऑलराइट गाइस हो गए नहा धो के रेडी बढ़िया एकदम एंड जो है अभी जो फोटोशूट वाले वो आने वाले हैं। तो अभी मैं तो रेडी हो चुका हूँ, मोनिका रेडी हो रही है और हमने उनके लिए पूरा जगह वगैरह खाली कर दिया। तो अभी वो आएंगे, पहले अपना पूरा सेटअप लगाएंगे क्योंकि इंडोर शूट है, आउटडोर हमने नहीं कराया क्योंकि मोनिका थोड़ा सा बाहर बाहर नहीं जा सकती ना, तो आउटडोर नहीं कराया, इंडोर शूट कराया हमने। तो अभी यहाँ पे पूरी इस कमरे में होगा हमारा शूट, तो अभी वो आने वाले हैं। अभी तो फिलहाल मैं ऐसे ही नॉर्मल रेडी हो गया हूँ, जब वो आएंगे जब शूट स्टार्ट होगा तब अपन पहनेंगे जो अपन ने डिसाइड किया। सो गाइस यहाँ पे तैयारी शुरू हो गई है एंड ऐश आ चुके हैं दिल्ली से। हाय ऐश एंड भैया, भैया आपका नाम नहीं बता। जनक, जनक। सो जनक भाई भी आए हैं और ऐश भी आए हैं। तो यहाँ पे जो है फुल ऑन तैयारी चालू हो चुकी है। सो ये जगह जो थी स्पेस हमने फोटोशूट के लिए खाली किया था, तो यहाँ पे लगेगा बैकड्रॉप और ये लाइट्स वगैरह जो भी है वो तो खैर वो लोग कर रहे हैं अभी। तो मोनी अभी रेडी हो रही है तो देखते हैं कैसा जाता है शूट। बढ़िया एकदम, मैं फर्स्ट टाइम ऐसे सेटअप के साथ शूट करा रहा हूँ, ऐसे फर्स्ट टाइम, मैंने कभी कराया नहीं है। ऑलराइट गाइस सो हो गए अपन रेडी बढ़िया एंड जो है अपने ने डाल लिया सूट क्योंकि फर्स्ट अटायर जो है हमारा सूट वाला है। मोनिका का फोटोशूट स्टार्ट हो चुका है तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर कैसा चल रहा है फोटोशूट। सो ये मोनिका का फर्स्ट अटायर है। सो गाइस अपन अपनी बारी की वेट कर रहे हैं, अभी मोनिका का इंडिविजुअल शूट चल रहा है तो अभी जब अपनी बारी आएगी तब करेंगे। बड़े साहब भी आ गए, बड़े साहब रेडी हो जाओ। कैसी लग रही मोनी? बढ़िया। सो अभी ये फर्स्ट ड्रेस है, फिर अगले अटायर आएंगे उसमें भी आपको दिखाता हूँ। सो अभी रेस्ट सेशन चल रहा है तो मोनिका का रेस्ट, हाउ इट गोइंग? अच्छा लग रहा है। हम दोनों का फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऐसे फोटोशूट का, तो मोनिका का पूछ दो मोनी कैसे, मज़ा आ रहा है? बढ़िया, हंस नहीं रही है, इसको हंसाना पड़ रहा है पीछे से ऐसे ऐसे करके, ऐसे वाली हंसी दो ना, ये वाली हंसी। तो बढ़िया फोटोज बहुत अच्छी आई है ऐश, बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है। थैंक यू, बट माय मॉडल इज सो टायर्ड नाउ। सो गाइस फर्स्ट अटायर में कंप्लीट हो चुका है, अब ये सेकंड अटायर है जो हम लोगों ने रेडी किया है एंड जो है पहले अभी मोनिका होगा एज इट इज जो पहले हुआ था, अब जो उसके बाद मेरा होगा। चलिए मैडम, सॉरी, चलिए मैडम, ऑल सेट। मोनी को हंसा रहा हूँ। आई साम। वो हंस नहीं रहा ज्यादा जोर से। तो गाइस अम्मा को भी रेडी कर रहे हैं, अम्मा की भी फोटो खींचनी है। कहाँ है वो? ये दिख गया, दिख गया। अच्छा ये भी टाल रहे, ये रेडी हो गई सोने के झुमके, क्या बात है। सो गाइज आज मैं आपको बहुत सारे अटायर्स में दिख रहाऊँगा क्योंकि अभी जो है वो शूट पे शूट हो रहा है, तो ये मेरा अभी अगला अटायर है तो इसके साथ भी शूट होने वाला है। सो ये सारे जो है फोटोज़ हम आपको ज़रूर दिखाएंगे बट जो है थोड़े दिन बाद, बट अभी जो है शूट चल रहा है बढ़िया वाला एंड मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो इट इज़ रियली रियली गुड, मतलब बहुत ही एकदम नेक्स्ट लेवल फीलिंग है फोटोशूट की। जो है बहुत ही अच्छा सेशन था एंड मतलब सारी फोटो जितनी भी हमने देखी है ना अभी तक बहुत ही अच्छी क्लिक करी है। सो थैंक यू सो मच आज भाई, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, मतलब मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि वो होता है ना फोटो शूट हो रहा है तो टेंशन नहीं, बिल्कुल बहुत रिलैक्सिंग माइंड से किया हम लोगों ने। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत अच्छी लाइट्स दिखाई है और फोटोज तो मैं बता रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत आई है एंड वेरी ब्यूटीफुल, मतलब
दो तीन तो मेरे एकदम दिल के करीब आ गई है वो। सो गाइस मस्त हमारा शूट खत्म हुआ है एंड अभी हम फिर से निकल रहे हैं बाहर, क्योंकि अभी जिस जो कल हम लोग लेके आए थे ये देखो मेरे हाथ में, तो जो सिस्टर के लिए लेके आए थे उनको देने जाना है, उनकी हल्दी आज, तो अभी मैं और भी जा रहे हैं उनके घर पे। ध्यान से ले जा रहा हूँ यार, चलो चले। तो मम्मी भी रेडी हो गई, मैं तो वही शूट वाले कपड़े पहने मैंने उतारे नहीं, मैंने कहा इसी में चलते हैं। सो गाइस निकल पड़े हैं मम्मी और मैं, यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है जिधर गांव में हम लोग जा रहे हैं, तो हाँ उनके यहाँ बढ़िया फंक्शन है, तो मेरी मम्मी यहाँ पे बैठी हुई है और अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं। मोनी रेस्ट कर रही हूँ भाई, अब हमारा शूट चला तकरीबन चार घंटे के आसपास, चार घंटे तो हो गए होंगे, चार घंटे के आसपास शूट चला है मस्त एकदम। बट यार बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बहुत अच्छी जिधर से मैंने कराया, ये लोग दिल्ली से आए थे, सोचो दिल्ली से आए थे रामपुर शूट करने स्पेशली, तो हाँ बहुत ही अच्छा था, मज़ा आया मेरे को तो बहुत ज़्यादा। एंड अपनी फ़ोटोज़ आई है थोड़ी थोड़ी आपको दिखाऊंगा, अभी वो कल या परसों में फ़ोटोज़ देंगे तो डालेंगे इंस्टाग्राम पे डालूंगा, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो अगर आपको फ़ोटोज़ देखनी है, तो वहाँ पे आपको 100% दिखेगी फोटोज़। फिलहाल निकलते हैं और पहुँचते हैं वहाँ पे, आधा घंटे का रास्ता है, मस्त पहुँच जाएंगे बढ़िया। गाइस हम इतनी बढ़िया जगह से निकल रहे हैं, अभी आसपास खेत हैं और ऊपर देखो पेड़ ही पेड़ है, मस्त मज़ा सा आ रहा है यार ड्राइव करने में, देखो आसपास पूरे खेत ही खेत हैं यहाँ पे भी, इधर भी बढ़िया। सो गाइस चले जा रहे हैं अभी तक पता नहीं कहाँ पहुँच गए। मम्मी ने अभी जगह का नाम पढ़ा क्या है, लालू नगला का मजरा। हम लोग अभी घूम रहे हैं लालू नगला का मजरा, सही है भाई, बढ़िया बढ़िया रोड, बढ़िया आसपास देखो एकदम खेतों खेत के साथ ना, मजा ही आ रहा है यार चलाने में। सो गाइस पहुंच गए एंड ये रही देखो दुल्हन हमारे सामने ही आ गई है नीलू, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे और बहुत ही यार इधर की खुशबू कितनी अच्छी है यार, वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं आती यार हमारे साइड पे, बता। सो गाइस बढ़िया चाय पिला दी है एंड जो है अब जा रहे हैं ऊपर देखने पूरा। मैक्स मेरे को अपनी नानी का घर याद आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही था। ओह ओह क्या हो गया, क्या बात, क्या बात, क्या हो गया, क्या हो गया, ओह ये मैम हमारे खेत में कुत्ती 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 इस मयंक से भी मिलो, और मयंक हमें छत पे लेके आया यहाँ पे पूरा देखने, और भाई के चैनल को और सपोर्ट करें सब। थैंक यू थैंक यू, बिल्कुल बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, मजा आ रहा है, चाय चाय बल्कि यहाँ पे खड़े होके पीनी चाहिए थी चाय, है ना। मैक्स को हमसे प्यार हो गया, आ मैक्स आया जंप, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। तो गाइस निकल पड़े हैं वहाँ से एंड जो है बहुत ही खूबसूरत जगह थी और बहुत ही प्यारे लोग थे, मज़ा आया, और हम मतलब ब्लेसिंग्स देने गए थे अपनी, तो मम्मी लेके आई थी मेरे को, मम्मी बहुत मज़ा आया यार, मेरी तो बिटिया के समान है, हाँ मेरी ब्लेसिंग्स हैं, खुश रहे। सो बहुत ही मज़ा आया, अभी हम लोग बस घर वापस जा रहे हैं। सो गाइस आ गए घर पे वापस। हो बैब्स हाउ आर यू डूइंग, सही है थकावट उतर गई हैं, सो गए थे आप बढ़िया करके, चलो गुड है। सो गाइस वहां से आया था और सुबह से इतना काम था, इतना भागा दौड़ी हो गई फोटो शूट, और उसके बाद फिर चले भी गए तो इतनी थकावट हो गई थी कि अपन तो भाई टियाओ हो गए थे थोड़ी देर के लिए, तो अभी सब लंच ब्रेकफास्ट बोलना है। So, जो है बढ़िया देख रहा कितनी नींद में हूँ मैं, याद ही नहीं आ रहा एक्चुअली, बेचारे डिप्रेस हो गया बिग बॉस के। यार बिग बॉस का कितना गंदा रिजल्ट आया यार, हद है। मैं उससे गुस्सा भी हूँ। चुप रहे ना, छेड़ छेड़ मत मुझे, इधर उधर हो रहा है। खैर कोई नहीं, सो इस वीडियो को करता हूँ एंड, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाइएगा। सो विद दैट सेड आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय टाटा।